अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर्स एंड फंक्शनल्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। यानी हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में लीनियर ऑपरेटर्स और लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन किए और उनकी मदद से वेक्टर स्पेस भी बनाई, जिसको हमने किसी वेक्टर स्पेस की फर्स्ट डोर और सेकेंड डोर के तौर पर डिस्कस किया। तो ऑपरेटर्स या फंक्शनल्स तो हमारे पास किसी डायमेंशन की स्पेस पे भी डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर टिपिकल फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हों तो इन लीनियर ऑपरेटर्स का और फंक्शनल्स का क्या बिहेवियर होता है। और इसका एक सब टॉपिक हमारे पास जो आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट करेंगे वो है कि लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर्स को जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे टिपिकली अप्लाई हो रहे हो, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम रीड ये करेंगे कि सारे टॉपिक का जो निचोड़ होगा वो ये होगा कि जैसे एक मैपिंग डिफाइन करवाई जाती है, ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे या लीनियर फंक्शनल स्पेस पे, तो एक लीनियर ऑपरेटर के अगेंस्ट हम एक मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि जो काम वो करेगा ऑपरेटर या फंक्शनल कर रहा होगा सेम वही हमारे पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑपरेट होकर करेगा। सो हम इसको देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड, टी इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई अ लीनियर ऑपरेटर। क्योंकि एक्स जो है फाइनाइट डायमेंशनल है, लेट ई इज इक्वल टू ई वन ई टू ए एन बी बेसिस ऑफ एक्स एंड बी इज इक्वल टू बी वन बी टू बी आर इज अ बेसिस फॉर वाई। With vectors arranged in definite order, which kept fixed. तो हम उनके जो बेसिस के वैक्टर्स हैं उनको किसी खास ऑर्डर में हम तरतीब दे लें एक ऑर्डर में, और जब दे लें तो फिर थ्रू आउट डिस्कशन वो ऑर्डर फिक्स रहेगा। देन एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। हर एक्स जो है हमारे पास एक्स का, जैसे हम जानते हैं वैक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को उनके बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये लिखा जाना ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है यूनिक होती है। सो सी एक्स कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू अल्फा ई वन प्लस अल्फा ई टू प्लस अल्फा ई एन बिकॉज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स एंड ई वन ई टू ई एन बी द बेसिस ऑफ एक्स। हम फिर रिपीट करते हैं, यहाँ पर हम जो दो स्पेसेस ले रहे हैं ऑपरेटर्स ले रहे हैं जिन वेक्टर स्पेसेस के दरमियान उनकी डायमेंशन फाइनाइट है, तो इसलिए ये ई सेट ए एक्स के बेसिस और बी सेट वाई के बेसिस बना रहा है। सिंस डी इज लीनियर एक्स हैज द इमेज। तो देखिए जो एक्स हमने एलिमेंट लिया है ये लिया है एक्स से, तो इसकी इमेज कहाँ होगी, टी ऑफ एक्स कहाँ पे होगी, वाई में। जैसे x जो है e के बेसिस का लीनियर कम्बिनेशन है, t ऑफ दिस x ये एलिमेंट बन जाएगा y का, और y का एलिमेंट होने की वजह से वो y के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा as this y is equal to dx and dx is equal to इस अंदर हमने लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म x की लिख दी, और स्केलर्स होने की वजह से अल्फाज जो हैं बाहर आ गए और टी जो है वो वेक्टर्स पे अप्लाई हो गया और इसको सम फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इससे ये भी हमें आइडिया होता है कि अगर हमारे पास हमें किसी ऑपरेटर की जिस वेक्टर स्पेस पे वो अप्लाई हो रहा है उसके बेसिस एलिमेंट्स पे इमेजेस का पता हो, तो हम उससे और उनके लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन की मदद से उसका किसी भी एलिमेंट का इमेज वेक्टर जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये स्केलर्स हमारे पर अवेलेबल थे तो स्केलर्स तो वही रहे टी एक्स की इमेज लेने में यानी वाई के एलिमेंट में, तो जिन पे आंसर हमें चाहिए थे वो थे टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू, एंड यहाँ पर मिसिंग है
अल्फा एन के साथ आएगा टी ऑफ ई एन। तो हमें इमेज बेसिस के एलिमेंट्स पे अगर ऑपरेटर के आंसर्स का पता हो तो हम किसी भी एलिमेंट पे की इमेज जो है वो निकाल सकते हैं। इसको ये सब फॉर्म में लिखिएगा, सिंस द रिप्रेजेंटेशन वन इज यूनिक, यानी एक्स को जो लीनियर कम्बिनेशन में वन इंटू एन के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया था वो यूनिक है, वी हैव टी इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ द इमेज इज टी वाई के इज इक्वल टू टी ए के टी ई के ऑफ द एन बेसिस वेक्टर्स ई वन ई टू ई एन आर प्रिस्क्राइब्ड। ये जो अभी हमने डिस्कस किया और आपको बताया कि अगर हमारे पास एक्स की वेक्टर स्पेस के बेसिस के एलिमेंट्स पे जो अंडर टी आंसर्स हैं उनका हमें पता हो तो हम कोई भी वाई एक्स का एलिमेंट जो कि एक्स के एलिमेंट पे जो इमेज लेते हैं उसको उसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं। सिंस वाई एंड वाई के विच आर एक्चुअली वाई के इज इक्वल टू टी ऑफ ई के आर इन वाई, वाई में होंगे, दे हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये उसी फॉर्म को जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है हम इस सूरत में इसको सोच रहे हैं कि से टी ऑफ ई वन इज इक्वल टू वाई वन, टी ऑफ ई टू इज इक्वल टू वाई टू एंड टी ऑफ ई एन इज इक्वल टू वाई एन। तो ये वाई के वैक्टर्स हैं, वाई वन इन जनरल वाई वन वाई टू वाई एन हमारे पास वेक्टर्स हैं जो कि एक्स के बेसिस वेक्टर्स पे टी के अंडर टी इमेजेस हैं। तो हम किसी वाई को वाई जो कि टी एक्स है, टी एक्स मीन वाई का एलिमेंट है, तो वाई के किसी भी एलिमेंट को कैसे इनके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंस वाई एंड वाई के इसको टी के आर एन वाई दे हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब अगर जनरली सोचें तो y y का एलिमेंट है तो y को y के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में y विच इज एक्चुअली इक्वल टू t ऑफ x, तो y के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा लाइक दिस, समेशन i फ्रॉम 1 टू n eta i b i as b1 b2 br आर द बेसिस ऑफ y, so eta 1 eta 2 eta r आर स्केलर्स, दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन with the basis of y eta 1 b1 eta 2 b2 plus so on plus eta r br, this is equal to y. In second sense, because y k are t of e k, and what are t of e k? T of e k again hamare paas elements hain y k, aur y k kyunki har element ko y ke basis ke linear combination ki form mein likha ja sakta hai, to inko bhi T of E K को भी या Y K को भी हमारे पास B1, B2, beta R के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन में फोकस करें क्योंकि यहाँ वेक्टर ज़्यादा हैं, तो अगर K को 1 रखेंगे तो ये K वहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास गैमा 1, 1 B1, गैमा 2, 1 B1, गैमा 3, 1 B1, B3 एंड सो ऑन गैमा आर वन बी आर। तो यहाँ पे यानी वन फिक्स रहेगा तो ये वन का लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा, और अगर हमारे पास वाई टू होगा तो यहाँ पे टू रहेगा और यहाँ पे वन से आर तक, वन से आर तक मूवमेंट होगी। इस तरह ये हमारे पास वाई वन वाई टू और वाई एन वैक्टर्स के को वाई के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में जो रिप्रेजेंटेशन देनी है ये हमने उसको देखा। Substituting into, तो इसको अगर हम टू में पुट कर दें वो है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास टू क्या थी, ये थी हमारे पास टू वाई इज इक्वल टू टी एक्स टी एस इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम वन टू एन अल्फा के, तो टी ई के की जगह पे टी ए के की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये टी ई के की जगह पे ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और स्मेशन को ज़ाहिर है मल्टीप्लेशन थोड़ी सी हमने उसमें चेंज की, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म इसकी बन जाती है। और हम जानते हैं कि एक वाई एक्चुअली जो कि कुल था स्मेशन के फ्रॉम वन टू एन अल्फा के टी ऑफ ई के टू बाय टू,
और फिर हमने यहाँ से थोड़ी और 3 को भी इसमें ऐड अप किया, क्योंकि y एक्चुअली इसको यूँ पढ़ा जाए ना, y इसके इक्वल है, और यहाँ पे हमने t ऑफ e की जगह पे ये यहाँ से वैल्यू पुट की और y की जगह पे यहाँ से 3 से ये वैल्यू पुट की, तो ये कंपैरिजन हमारे पास हो रहा है, क्योंकि बीटा आइज किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर दो वेक्टर सेम हो तो और लीनियर कॉम्बिनेशन सेम आ रहे हों और उनमें हमारे पास वेक्टर सेम हो तो ऑब्वियसली उनमें स्केलर्स भी सेम होंगे। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है विद स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ के, तो इसमें वेक्टर्स वेक्टर्स में एक्चुअली दो लीनियर कॉम्बिनेशन हैं जो सेम आ रहे हैं और इसमें वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं सेम है, ये भी बीटा वन बीटा टू बी आर का लीनियर कॉम्बिनेशन और ये भी बीटा वन बीटा टू बी आर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये दोनों सेम हैं तो इनके साथ जो स्केलर्स होंगे वो भी सेम होंगे, तो इस कंपेरिजन से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्केलर्स हैं ये सेम होंगे, इसको आगे डिस्कस किया जा रहा है। सिंस द बेसिस फ्रॉम फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, the coefficients of each bi on the left on the right left and on the right must be same, यानी कि ये और ये ईटाई ये सेम होंगे, ईटाई इज इक्वल टू, यहाँ कंपेरिजन से हमने ये निकाल लिया के फ्रॉम वन टू एन, हमने आपको बताया कि कैसे ये सेम होते हैं, के फ्रॉम वन टू एन गैमा आई के अल्फा के आई फ्रॉम वन टू आर, तो ये हमने उसको फॉर्म में। This shows that the image y is equal to tx, which is equal to summation I from 1 to r eta I beta I of x, which is actually a linear combination of ek alpha k ek summation k from 1 to n, can be obtained from 6. Isko 6 se nikala ja sakta hai. The coefficients in 6 form a matrix. तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं सिक्स में ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ये वाले कोफिशिएंट्स ये वाले, जबकि ईटा आई वो हमारे पास स्केलर्स हैं जो इमेज के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज होने, और अल्फा के वो वाले स्केलर्स हैं जो प्री इमेज के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर प्री इमेज में जो हमारे पास स्केलर जो अवेलेबल हैं उनको अगर इनके अगेंस्ट जो मैट्रिक्स है उनसे मल्टीप्लाई किया जाए, बताना हम ये चाह रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट की इमेज के में इमेज को जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है उसमें यूज होने वाले स्केलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये जो है गैमा आई के, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास डबल रूप है, देखें कि हमारे पास 1 से n तक है और i 1 से r तक है, तो एक को फिक्स करके दूसरे को हम मूव करा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं और उसकी एंट्रीज होती है a11 a12 a1n फर्स्ट रो, जिसका मतलब 1 फिक्स है और कॉलम्स वाली एंट्रीज चेंज होती जा रही है, a11 फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, a12 फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, तो इसी तरह से यहाँ पे एक को फिक्स करें, इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसका हम नाम रखते हैं denoted by T of E B, यानी कि हमारे पास ऑपरेटर है x से y में, तो x और y finite dimension है, तो x की basis और y की basis के corresponding हमारे पास जो ऑपरेटर के अगेंस्ट मैट्रिक्स हमारे पास मिलता है वो हमारे पास है गैमा आई के विद r rows and n columns. If a basis E for x and B basis for Y are given with the elements of E and B arranged in some definite order which is arbitrary but fixed, then matrix EB is uniquely determined. तो अगर हमारे पास एक ऑपरेटर X से Y में हो और X और Y के हमारे पास basis वेक्टर्स का हमें पता हो तो उनकी मदद से उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में हम अरेंज करके, लेकिन एक दफ़ा जब अरेंज करके हम इसमें आज़ाद हैं अरेंज करने में, लेकिन जब एक दफ़ा अरेंज कर लें तो फिर एक सारी डिस्कशन में वो फिक्स रहेगा, हम एक एक यूनिक मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इन दैट वे बाय द लीनियर ऑपरेटर टी ऑपरेटर के अगेंस्ट जो रोल प्ले करेगा। वी से दैट द मैट्रिक्स टी ए बी रिप्रेजेंट्स
operator T with respect to those bases, taking the column vectors x bar alpha k and y bar eta I, we can write 6 in matrix notation. इसको इस तरह से लिखा जाता है y bar is equal to T E B x bar. तो x bar को अगर हम इससे multiply करें तो हमारे पास y available हो जाता है. Similarly, 4 can be written in matrix notation. 4 को हम देख सकते हैं T E is equal to T E B transpose into B, where B is a column matrix, where T is the column vector and components TE1, TE2, TEN. So TE जो है ये column matrix है और इसके components हैं वो TE1, TE2, TEN होंगे, which are themselves vectors and और कॉलम वेक्टर्स जो बी है उसके कंपोनेंट्स होंगे b1, b2, br. अगर ये मार्क रीड करते हैं, वी हैव यूज्ड द ट्रांसपोज TEB ऑफ TEB बिकॉज इन 4 वी सम ओवर I, व्हिच इज फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, वेयर एज इन C वी सम ओवर K, व्हिच इज सेकंड सबस्क्रिप्ट. तो ये क्योंकि सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं, यानी रोज कॉलम्स और कॉलम्स रोज बन रहे हैं, और ट्रांसपोज में भी ये होता है कि हम कॉलम्स को रोज और रोज को कॉलम्स बना देते हैं, इसलिए हम 4 में यहाँ पे TEB का ट्रांसपोज यूज कर रहे हैं. द लीनियर ऑपरेटर T डिटरमाइंस अ यूनिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग T विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस फॉर X एंड गिवन बेसिस फॉर Y, where the vectors of each of the bases are assumed to be arranged in fixed order. Conversely, any matrix with r rows and n columns determines a linear operator which it represents with respect to given bases for x and y. हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स के अगेंस्ट इस तरह के एक ऑपरेटर लिया जा सकता है, और एक लीनियर ऑपरेटर के अगेंस्ट जब वो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के दरमियान हो तो हम एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. यही सारी डिस्कशन रिपीट की जा रही है लीनियर फंक्शनल्स के लिए, लीनियर फंक्शनल्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस. तो ऑलमोस्ट यही डिस्कशन है कि डायमेंशन एक्स के ग्रैन हो, ई1 ई2 ई एन जो हैं वो बेसिस हों एक्स के, एफ बी एनी फंक्शनल हो ऑन एक्स पे, देन एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए एक्स को ग्रेटर एक्स के बेसिस के लिए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, से ये ईटा आई ई आई हो I1 से एन तक, एफ को एक्स पे अप्लाई करें तो एफ एस पे अप्लाई हो जाएगा और लीनियर होने की वजह से स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, तो ये फॉर्म हमारे पास कंस्टिट्यूट हो जाएगी, वेयर अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आई, जैसे हम वहाँ पे टी आई लेते थे और वाई के इक्वल रखते थे, where alpha is equal to f of ei, in functionals ki x ki basis pe answers. F is uniquely determined by its values at n basis vectors of x. Conversely, every n tuple of scalars, n tuple ka kyun zikr kiya ja raha hai, kyunki ye finite dimensional vector spaces hain, aur x kyunki humne n dimensional li hai to isme har jab element ka linear combination likha jayega to n scalars required honge, isliye conversely every n tuple of scalars alpha 1 alpha 2 alpha n determines a linear functional on x by 1 and 2. तो हमारे पास हर जो n tuple है उसकी मदद से एक linear combination को डिफाइन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है. इन पर्टिकुलर लेट अस टेक द एन टूपल, ये देखिए आगे एक एन टूपल 1000010 एन टाइम्स हैं और 000 एन, ये एन टूपल्स हैं बाय 1 and 2. दिस गिव्स एन फंक्शनल, इससे हमें एन फंक्शनल्स अवेलेबल हो सकते हैं विच विच डिनोट बाय एफ वन एफ टू एफ एन, और इसके आगे रोनिकल डेल्टा फॉर्म में डेफिनेशन दी गई एफ के ई आई इज इक्वल टू डेल आई के, व्हेन आई इज इक्वल टू के द आंसर इज व्हेन एंड आई इज नॉट इक्वल टू के देन द आंसर इज जीरो. व्हाट इट मीन्स, फर्स्ट वी फिक्स्ड के, इससे के इज वन एंड देन व्हाट इज एफ वन, तो एफ वन जब हम ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं आ जैसे कि आर एन के,
अगर इस पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास F1 है, तो देखना है कि हमारे पास ये E1 पे लग रहा है, और ये हमारे पास E2 है, और ये हमारे पास EN है, तो ये E1 पे आंसर 1 देगा और बाकी उस पे 0 देगा। इसी तरह F2 है वो E2 पे आंसर, दिस इज E2, E2 पे आंसर 1 देगा और इन बाकी उस पे आंसर 0 देगा। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस के किसी डोमेन डोमेन के लिए ऑपरेटर की डोमेन के बेसिस पे आंसर्स हमें पता हो, तो हम किसी पॉइंट पे भी इमेज को निकाल सकते हैं। ये आइडिया हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी एग्जाम्पलरी फॉर्म में उन्होंने RN के बेसिस पे ये लेके बताया, दैट इज एफ के हैज़ द वैल्यू 1 एट द kth बेसिस, एफ के हैज़ द वैल्यू 1 एट द kth बेसिस, यानी कि kth बेसिस पे वैल्यू 1, जैसे हमने कहा F1 की 1th बेसिस पे E1 पे आंसर हमारे पास 1 होगा, F2 का E2 पे आंसर 1 होगा, एंड 0 एट द n-1 अदर बेसिस वेक्टर्स, डेल आई के इज कॉल्ड द रोनिकर डेल्टा, ये ऐसे ही इस डेफिनेशन का नाम रखा जाता है। F1, F2, Fn इज कॉल्ड द ड्यूल बेसिस ऑफ द बेसिस E1, E2, EN फॉर x, और ये समझाया जा रहा है कि हमारे पास x पे जो ड्यूल स्पेस होगी उसके बेसिस x के, अगर E1, E2, EN बेसिस हो तो F1, F2, Fn जो निकलेंगे वो x की ड्यूल के बेसिस कहलाएंगे। इस पे एक हमारे पास वेल रिनाउंड रिजल्ट भी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर्स, ये सेकंड थोड़ा सा थेरेटिक लेक्चर था, तो इसकी आप एक दो रीडिंग लीजिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इस सारे लेक्चर में हमने बताया यही है कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल्स को कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे क्या असरात हैं, उनमें एक सब टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था कि हमारे पास पहले लीनियर ऑपरेटर्स को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे डिस्कस किया, और फिर लीनियर ऑपरेटर्स को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे अप्लाई होने वाले फंक्शनल्स पे डिस्कस, लीनियर ऑपरेटर्स की डिस्कशन थी जिसमें वेक्टर स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल थी, फिर लीनियर फंक्शनल्स की डिस्कशन थी जिसमें जो वेक्टर स्पेसेस थी वो फाइनाइट डायमेंशनल थी उसकी डोमेन और रेंज वाली, और हमने बताया कि इस तरह की वेक्टर स्पेसेस पे यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे जब फंक्शनल्स यानी लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड हो तो उनको उन एक ऑपरेटर के अगेंस्ट एक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है, इस तरह एक मैट्रिक्स के अगेंस्ट एक ऑपरेटर दिया जा सकता है। तो ये उसकी कुछ एलेबोरेशन थी, कुछ तफसील थी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।